हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर अचीव सक्सेस एकेडमी। और आज हम परसेंटेज चैप्टर में 8 टाइप करेंगे, वो भी सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में पहले प्रीवियस वीडियो में मैं करवा चुका हूँ, आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। और सेकंड पार्ट करने से पहले मैं उन सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा, जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, सबसे पहले वो वॉच कीजिए, फिर आप सेकंड पार्ट देखिए। क्योंकि अगर आप सेकंड टाइप वॉच करेंगे तो आपको समझ नहीं, इसलिए मैंने जो भी बेसिक है इसका इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन का, वो मैंने फर्स्ट टाइप में करवाया और फिर क्वेश्चन भी अच्छे से करवाए हैं। सो प्लीज़ आप पहले वो वॉच कीजिए, फिर आप ये वॉच कीजिए। सो विदाउट डिले वी स्टार्ट अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, इन लोकसभा इलेक्शन 2 कैंडिडेट, एक लोकसभा है उसमें 2 कैंडिडेट हैं, इन विच 20% ऑफ द वोटर डिड नॉट वोट। और 20% ऐसे वोटर हो जिसे पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, वोट ही नहीं डालते हैं। एंड आउट ऑफ द टोटल वोट, और जितने भी टोटल वोट हैं उसमें से क्या होता है, 1000 वोट डिक्लेयर इनवैलिड, और टोटल में से 1000 वोट्स आपके क्या होते हैं, वो इनवैलिड निकल जाते हैं। हमें ये नहीं पता भी वैलिड कितने हैं। विनर गेट 60% ऑफ द टोटल वोट ऑन वोटिंग लिस्ट, और विनर को आपको मिलते हैं 60% वोट मिलते हैं, एंड वोन बाय, और वो इतने वोटों से वो जीत जाता है, 81,000 वोट से। तो फाइंड द नंबर ऑफ वोट पोल इन द फेवर ऑफ लूजिंग कैंडिडेट। अब हमें बताना है कि जो लूजर आपका कैंडिडेट है उसको कितनी वोट मिले, कितने वोटों से वो हारा है। तो देखिए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पर सपोज कर लीजिए 100x, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट कितने आपके 100 वोटिंग, ये आपका वोटिंग लिस्ट है। उसके बाद 20% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट, इसमें से क्या होता है 20% वोट ही नहीं डालते हैं। 20% इसका 20% कितना होता है, 20 लोग ऐसे जो वोट नहीं डालते हैं, तो 20 लोग ऐसे हैं, इसका 20% 20 तो डालते कितने 80x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना कि इतने लोग क्या होते हैं, वोट डालते हैं, बट इसी में क्या है आपका वैलिड भी है और इनवैलिड भी है। नेक्स्ट लाइन में कहता है, आउट ऑफ द टोटल वोट पोल्ड, जितने वोट डाले गए हैं उसमें से क्या 100 वोट डिक्लेयर इनवैलिड। अब कितने डाले गए, इतने टोटल इतने थे, और इसमें से क्या वोट इतने क्या हो गए, डिड नॉट वोट, 20% इसमें से वोट नहीं डाले, तो टोटल पर्सन कितने वोट डाल रहे हैं अभी, 80 यूनिट यानी 80x अभी वोट डाल रहे हैं। तो इसमें से क्या होता है, आपके 1000 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। जब इसमें से हम 1000 माइनस करेंगे तो ये आपका क्या निकल जाएगा, ये आपके निकल जाएगा वैलिड वोट, क्या निकल जाएगा वैलिड वोट, ये आपके निकलिए वैलिड वोट। देखिए कैसे, जितने वोट डाले गए अब आप देखिए, जितने डाले गए हैं उसमें से आपके वैलिड भी है और इनवैलिड भी है। अगर हम इसमें से इनवैलिड माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या है, वैलिड वोट ही आएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे, कहते हैं विनर गेट 60% ऑफ द टोटल वोट ऑन द वोटिंग लिस्ट, जितने भी हमारे वोटिंग लिस्ट कितनी थी, कितने 100x 100, इसका क्या मिलता है 60%, तो इसका इतना 60%, तो कितना होगा 60x, बट पार्टिसिपेट कितने लोगों ने किया है, इतने पार्टिसिपेट इतने, तो इसमें ये क्या होगा आपका विनर हो गया। अब लूज़र को कितना मिला होगा, लूज़र को कितना मिला होगा, इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे, कि जिसको 80x माइनस 1000, इसमें से इसको माइनस करना है तो क्या आएगा आपका 20x माइनस 1000, ठीक है, 20x माइनस 1000, ये आपके क्या लूज़र आ गए यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखिए वोट तो इन्हीं से भी डिसाइड होगा ना, जितने वोट डाले जाते हैं उसी में से ही डिसाइड होता है कौन हारा है कौन जीता है, ठीक है। तो विनर को इतने मिल गए, अगर विनर को इतने मिले तो लूज़र को इसमें से कितने मिले हैं, इसमें से इसको इतने मिले हैं लूज़र को, तो कितना 20x माइनस 1000, ये आपका विनर हो गया और ये आपका लूज़र हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, वॉन बाय 81,000 वोट, और कितने वोटों से वो जीत गया, कितने 81,000, इसका कहने का मतलब है कि अगर विनर ये है लूज़र तो कितने वोटों से जीत गया, 81,000, इसका मतलब ये इनका डिफरेंस है, क्या है डिफरेंस है, तो उसके डिफरेंस निकालेंगे 60x माइनस 20x, जब इसको माइनस करें तो ये क्या होगा प्लस में रहेगा 1000, और यही वैल्यू हमें किसके इक्वल दी है 81,000, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या होगा 40x प्लस 1000 इक्वल टू 81,000,
इसको यहाँ पे लेके जाएंगे क्या होगा माइनस 80,000 80,000 बिकम नाउ एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं सो व्हाट विल गेट हाउ मच 2,000 मेरी यहाँ से क्या वैल्यू आ गई एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2,000 हमसे पूछा गया क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि पोल इन फेवर ऑफ द लूजिंग कैंडिडेट हमें बताना है कि लूजर को कितने वोट मिले हैं देखिए अब हमने एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाली अब हमसे कुछ भी पूछ लेगा हम वो भी निकाल सकते हैं देखिए हमसे विनर भी निकाल सकते हैं लूजर भी निकाल सकते हैं और टोटल वोटिंग लिस्ट है बट हमें क्वेश्चन में अभी पूछा गया कि कितने लूजर्स हैं तो ये आपके क्या लूज़र है दिस इज लूजर को इतने वोट मिले हैं तो देखिए तो इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं लूज़र सो 20 एक्स की वैल्यू क्या है 2000 माइनस 1000 क्या करना है इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ये कितना आएगा आपका 40,000 माइनस 1000 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 39,000 तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है तो लूज़र को इतने क्या वोट मिलेंगे और रिमेनिंग जो हो गया आपके वो विनर को वोट मिलेंगे तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है और ये बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो ये क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर्स में से मैंने लिए क्वेश्चन ये मेंस में आया है ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा चलिए अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है इन एन इलेक्शन 16.66% वोटर डिड नॉट पार्टिसिपेट कितने 16.66% ऐसे जो लोग हैं जो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं अच्छा इलेक्शन में एंड 200 वोट आर फाउंड इनवैलिड और 200 जो वोट्स होते हैं वो इनवैलिड हो जाते हैं एंड विनर गेट्स 50% ऑफ द टोटल वोटिंग लिस्ट यानी टोटल वोटिंग लिस्ट का उसको 50% मिलता है एंड वॉन बाय 2,200 वोटों से वो जीत जाता है एंड फाइंड रेशियो विनर एंड लूजर अब मैं बताना रेशियो बताना है विनर का और लूज़र का सी सेम वही कॉन्सेप्ट है ठीक है बस क्वेश्चन में लैंग्वेज को घुमाया गया है बट कॉन्सेप्ट वही है ओके सो देखिए मैं हर सेशन में अपने में कहता हूँ जब भी आपको परसेंटेज दी गई है आपको डेसिमल्स में तो अब उसका सबसे अच्छा मैथड होता है उसको इसमें फ्रैक्शन में ले जाएं ठीक है फ्रैक्शन में जैसे आपको वहाँ पे करना नहीं बट आपको सारी फ्रैक्शन माइंड में लर्न होनी चाहिए जैसे यहाँ पे लिखा है 16.66% यहाँ पे इन्होंने क्या परसेंटेज में दिया हमें उसको पता है कि फ्रैक्शन में किसकी वैल्यू थी 1/6 जो भी आपका डिनोमिनेटर होता ना उसी को अबव लेना होता है ठीक है अब हमें कोई और वैल्यू दी परसेंटेज में 50% आपको यहाँ पे एक और वैल्यू दी 50% तो सभी को पता है 1/2 मैंने हमेशा अपने सेशन में कहा है अगर आपको कैलकुलेशन से बचना है और क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स में करना है तो आप हमेशा क्या कीजिए जो भी आपके डिनोमिनेटर हैं डिनोमिनेटर आप उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आ गया 12 क्या गया 12 आ गया तो देखिए अब हम यहाँ करते हैं देखिए मैं मान लेता हूँ कि मैं इसको बहुत साइड न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए आप यहाँ पे 100,000 किसी से भी इसको क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई करते हो अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए सो टोटल मैंने मान ली वोटिंग लिस्ट कितनी है वोटिंग ये आपकी टोटल वोटिंग लिस्ट है ये मैंने एक्स है आप एक्स नहीं भी लिखो ये यूनिट्स में है ठीक है क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता हम यही निकालना कि जो एक्स का जो वेरिएबल है वो क्या है ओके तो नेक्स्ट हमें कहा गया है 16.66% वोटर डिड नॉट पार्टिसिपेट इतना लोग है पार्टिसिपेट ही नहीं करते इलेक्शन में कि तो टोटल वोटिंग लिस्ट कितनी है हमारी ये तो देखिए यहाँ पे सिर्फ ये मैं आपको समझाने के लिख रहा हूँ अपने एग्जाम में कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखना है ठीक है देखिए सो 120 एक्स का कितना 16.66% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/6 ऐसे जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इट मीन्स एक लोग क्या पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो मैं इसको इसमें से माइनस करूँगा तो क्या आएगा 5 तो इतने लोग यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं इसको कर देंगे 6×2 12 इसको से मल्टीप्लाई 10 इट मीन्स आपके यहाँ से क्या आया कि इसमें से इसको कितना 16.66% इसमें से हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका 100x इतने जो लोग हैं ये क्या है आपके सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें पार्टिसिपेट करने के बाद इसमें ही क्या है जो पार्टिसिपेट करेंगे वही तो वोट डालेंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे वो वोट डालेंगे और इसमें से ही आपका क्या है वैलिड भी है और इनवैलिड भी है अब बट क्वेश्चन बताया नहीं है बट हमें पता है कि इसमें वैलिड भी है और इनवैलिड भी है
क्वेश्चन में हमें दिया कि 200 वोट्स आर फाउंड इनवैलिड, और 200 वोट क्या होते हैं इसमें इनवैलिड हो जाते हैं। देखिए 200 वोट इसमें से अगर इनवैलिड हो गया, अब देखिए मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया कि टोटल जितने लोग डाल रहे हैं वोट उसमें से अगर इनवैलिड निकाल दें तो आपका वैलिड बचेगा, अगर उसमें वैलिड निकाल दें तो इनवैलिड निकल जाएगा। तो ये आपका भी यहाँ क्या बन गया, वैलिड वोट, ये आपका बन गया वैलिड वोट, ये आपका वैलिड वोट बन गया। अब कहते हैं विनर गेट 50% ऑफ द टोटल वोटिंग लिस्ट, टोटल वोटिंग लिस्ट हुई कितनी है, विनर को इसका कितना मिलता है 50%, तो 50% ऑफ दिस 120 वैल्यू इज 60x, ये आपका विनर। अब देखिए विनर को टोटल वोटिंग लिस्ट का मिला है, तो लूजर को किस में से मिलेगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो उसी में से ही माइनस करते हैं, नहीं हमें कितने डाले गए, कितने लोग डालने वाले पर्सन ये, अब हम बस ये इसी में से हमने इसको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, जब उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका 40x - 200, ये आपका विनर है और ये आपका क्या है लूजर। ओके सो अब हमें क्या बोला गया है कि 1/2200 वोटों से क्या जीत जाता है, तो वो इनका डिफरेंस है, इनका डिफरेंस कितना आएगा 20x + 200 इक्वल टू किसके इक्वल है 2200, ये इसको मैं वहाँ पे लेके जाऊँगा 2000 हो जाएगा, तो x की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ 2000/20 कितना आएगा, x की वैल्यू आएगी आपकी, ये एग्जैक्ट वैल्यू है x की, x की अगर 100 यूनिट, x की वैल्यू क्या 100 है, तो मैं यहाँ से कुछ भी निकाल सकता हूँ। ठीक है अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेशियो पूछा है विनर और लूजर का, तो सबसे पहले हमें क्या निकाले, वैल्यू निकालनी पड़ेगी विनर को कितने एग्जैक्ट वोट मिले हैं और लूजर को कितने वोट मिले हैं। देखिए जब हम मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए ये आपका हो गया विनर, ओके और ये आपका लूजर, सो इसको मैं जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 6000, राइट ये हो गया आपका 6000। अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, इसको मैं अब इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि x का वेरिएबल ये है, तो ये आपका कितना सीधा सीधा 4000, और 4000 में से आपको 200 घटाने नंबर 4000 में 38, सो दो जीरो कट जाएगा। ओके सो अब इसको 2 से काट लीजिए 2 30 2 1 2 19, तो आपका जो रेशो आएगा विनर और लूज़र का कितना आएगा 30:19, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, विनर को इतना रेशो है और लूज़र का ये रेशो है। सो ये इस क्वेश्चन का बेस्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का। मैं आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ मैंने दो क्वेश्चन आपको समझाए हैं, आपको अभी तक अच्छे से समझाए होंगे। ठीक है तो मैंने इस सेशन में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि जो प्रीवियस सेशन था उसके जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने जितने भी वेरिएशंस हो सकते थे वो मैंने करवाया आपको, और उसमें मैंने अप्रॉक्सीमेट 4 क्वेश्चंस लिए थे, वो भी मैंने सब में क्या चेंजेस करे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाया, और उसमें एक वेरिएशन रहती थी जो कि आज वो मैंने आपको इस सेकंड पार्ट में आपको कंप्लीट करवा दी है। ठीक है मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। ओके सो अगर आपको किन्हीं इन 2 क्वेश्चंस में अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट का रिप्लाई करूँगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।